वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम ब्रैडकॉम ग्रुप लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ब्रैडकॉम ग्रुप लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो देख सकते कि फ्राइडे के दिन 38.85 पे क्लोजिंग हुई थी। ब्रैडकॉम ने 2.50 पैसे की तेज़ी, 6% तक तेज़ी देखने को मिली थी ब्रैडकॉम स्टॉक के अंदर। मीन्स यहाँ पे देख सकते कि तो ओवरऑल मूवमेंट देखी जाए तो लास्ट वीक में बहुत सी वॉलीटिलिटी देखने को मिली थी ब्रैडकॉम डिसीजी स्टॉक के अंदर। मीन जैसे ओपन हुआ स्टॉक ऊपर तेजी देखने को मिली, 40 लेवल पे फिर से एक बार रिजिशन लगता हुआ नजर आ चुका है। मार्केट कैप 8,000 करोड़ के ऊपर ही है, PE रेशियो 6.67 का है और डिविडेंड यील्ड 0.77% का। तो देख सकते हैं कि तकरीबन पिछले 5 दिनों की भी बात की जाए तो स्टॉक के अंदर पिछले 5 दिनों में यहाँ पे रिसेंटली देख सकते कि 4% की तेज़ी देखने को मिले। बाकी के जो डिटेल्स है जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम के ऊपर नज़र डालेंगे तो ब्रैडकॉम ग्रुप लिमिटेड में फ्राइडे के दिन का जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे देखा जाए तो रिसेंटली देख सकते कि 4,19,00,000 का वॉल्यूम जनरेट हो चुका था ब्रैडकॉम में। ट्रेडेड वैल्यू जो है 16,667 लाख की ट्रेडेड वैल्यू देखने को मिला है स्टॉक के अंदर। मीन सिक्योरिटी वाली डिलीवरी पोजिशन के ऊपर नज़र भी डाली जाए तो तकरीबन 4,19,00,000 में से तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते कि 1,41,00,000 क्वान्टिटी डिलीवरी के लिए जा चुके हैं। मीन्स टोटल 33% क्वान्टिटी जो है ट्रेडेड में से डिलीवरी के लिए जाते हुए नज़र आ चुके हैं। तो चार्ट के ऊपर नज़र डालेंगे तो चार्ट के ऊपर नज़र भी डाली जाए तो देख सकते कि लास्ट वीक में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी, स्टॉक 10% अप चला गया था, फिर गिरावट हो चुकी थी। तो रिसेंटली फ्राइडे के दिन फिर से मूवमेंट एक अच्छी बनाई थी स्टॉक ने, पर ऊपर देख सकते कि जो मंथली रजिस्टर वन है उसको एक स्ट्रांगली ब्रेकआउट देता है 40 लेवल और मंथली रजिस्टर को, तो ऊपर जाने के चांसेस ऊपर भी जाने के चांसेस जो बढ़ सकते हैं। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट बीसीजी स्टॉक के लिए।